हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज एक ऐसा केस आपके सामने लेकर आया हूं कि आप खुद भी अपने पशु की गर्भ की जांच कर सकते हैं और जो लोग गर्भ की जांच पहले से कर रहे हैं उनमें सुधार आएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए, सबसे पहले लुब्रिकेंट हाथ पर लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल कौन सेफ में हाथ को बनाते हैं और कौन सेफ में हाथ को बनाने के बाद हम इसको धीरे से स्मूथली इसके अंदर डालते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, हड़बड़ नहीं करते हैं, जेंटली बहुत ही आसानी से काम करते हैं ताकि अंदर टियरिंग ना हो, अंदर खून ना निकले, अंदर से ब्लीडिंग नहीं हो। देखिए, धीरे से हाथ डाला। अब हाथ डालने के बाद हम इसका गोबर निकाल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं किसान को कि किस किस टाइप के हॉर्न दिखाई देंगे। ये दोनों मेरी अमूली चल रही है, ये एनपी है, नॉन प्रेग्नेंट है, और ये बता रहा हूँ कि दो हॉर्न है मेरे अमूली जैसे, एक ऊपर उठ रहा है, एक नीचे, दोनों बराबर हैं। ये बताया जा रहा है इसमें कि किसान के लिए कि दोनों हॉर्न के बराबर हैं, मतलब दोनों हॉर्न बराबर हैं तो पशु बराबर नहीं है। तो हम अब अंदर ग्राफिक बताएंगे कि अंदर क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर हम अब दिखाना चाह रहे हैं किस टाइप से अंदर दिखाई देता है। ये देखिए, जो हॉर्न दिखाई दे रहे हैं, दोनों हॉर्न दिखाई दे रहे हैं, ये नीले रंग के जो हैं ये हॉर्न हैं, दो हॉर्न हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है उसके बराबर में, ये यहाँ पर और क्लियर हो गए, ये दो हॉर्न हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ये दोनों अगर बराबर हैं तो प्रेग्नेंट नहीं है, और ये दोनों बड़े छोटे हैं और सॉफ्ट हैं तो ग्यावन है। दो महीने मर चूहे के बराबर बच्चा होता है, तीन महीने पर रेट के बराबर होता है, स्मॉल कैट के बराबर चार महीने होता है, फिर लार्ज कैट के बिल्ली के बराबर होता है, और छः महीने में कुत्ते के आकार का बच्चा होता है। तो ये आप पहचान लगे कितने महीने के पशु हमारा ग्यावन है साइज के हिसाब से। अब जो आपने हाथ डाला तो अंदर हाथ को किस तरीके से रखना है, जो ग्रेविड हॉर्न है जो मोटा है तो उसको इस टाइप से फील करेंगे, हल्का हल्का उंगलियों से दबाएंगे। जब हल्का हल्का दबाएंगे तो रूई जैसा पता चलेगा, सॉफ्टनेस होगी। ये देखिए, फिर मैंने आपको दिखाया कि इस टाइप के नॉर्मल है ये, अगर इस टाइप का दिखाई दे रहा है और दोनों हॉर्न बराबर दिखाई दे रहे हैं और हार्ड दिखाई दे रहे हैं, टाइट हैं, कर रहे हैं, तो समझ लो ग्यावर नहीं है। ये देखिए, फिर आपको दिखाया है एक तरफ राइट साइड में ये हॉर्न बड़ा है, ग्रेविड है, ये ग्यावन है, और लेफ्ट साइड में नॉन ग्रेविड है, तो बड़े और छोटे हैं तो ये प्रेग्नेंट है, इस बात की पहचान है कि ये भैंस हमारी गाय ग्यावन है। फिर ये दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट साइड का दिखाई दे रहा है ये छोटा है, राइट साइड का बड़ा है, तो राइट साइड में प्रेगनेंसी है। ये हमने फिर आपको दिखाई दिया हाथ डालने के बाद, राइट साइड में प्रेगनेंसी है, ग्रेविड हॉर्न है, और लेफ्ट साइड में ग्रेविड हॉर्न नहीं है। तो इस टाइप से अगर आप हाथ डाल के चेक करते हैं तो आपके पशु बिल्कुल जांच सही तरीके से हो जाएगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अब ये मैं ग्राफिक दिखा रहा हूँ कि दो महीने पे माउस के बराबर होगा, तीन महीने पे रैट के बराबर होगा, चार महीने की अगर प्रेगनेंसी है तो स्मॉल कैट के बराबर होगा, पाँच महीने में लार्ज कैट के बराबर होगा, छः महीने में डॉग के बराबर होगा। तो ये आपको पता करना है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है, आप पता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।